नवरात्रि का त्यौहार हर साल मनाया जाता है, जिसमें माँ शेरावाली की 9 दिन पूजा की जाती है और 10वें दिन बड़े जश्न का एहतमाम किया जाता है, जिसे दोसहरा कहते हैं। लाहौर के कृष्णा मंदिर में हिंदू बरादरी पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ नवरात्रि का त्यौहार मनाने में मसरूफ है। आज हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान में मुकीम हिंदू बरादरी किस तरह नवरात्रि मना रहे हैं, तो आइए चलिए मेरे साथ। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि इसलिए मनाई जाती है कि श्री राम ने वो सीता माता को रावण उठा के ले गया था, तो उन्होंने फिर माता की पूजा की 9 दिन, आठवीं अष्टमी पे माता के उनको दर्शन हो गए, फिर उन्होंने 9वें दिन ये पूजा समाप्त हुई और 10वें दिन दशहरा हुआ, इसलिए उनकी नवरात्रि मनाई जाती है। क्योंकि ये साल में 2 मरतबा आते हैं नवरात्रि, एक दफ़ा आते हैं अस्सू में, फिर चैत्र में आते, इसलिए कि ये लोग ना हम लोग मनाते हैं। जैसे आप लोग रोज़ों का ही करते हैं, इसी तरह हम लोग भी अखंड जो जलाते हैं, दिन भर रात 9 दिन की खेती बीजते हैं, माता को सुबह शाम भोग लगाते हैं, फिर हम लोग फूल हार चढ़ाते हैं। कोई लहसुन प्याज हम नहीं खाते, घर में कोई मांस मछली का परहेज किया जाता है, इसलिए इसको नवरात्रि कहते हैं। ये जी हमारी 9 दिन पूजा होती है माँ शेरावाली की। अब ये परसों दशहरा है, तो इस पे माँ जी ने राम जी को दर्शन दिया था रावण को मारने के लिए, कामयाबी के लिए, तो इन्होंने पूजा की थी 9 दिन रामचंद्र जी ने, तो इसलिए हम मनाते हैं। और हकीकत है कि जो ये नवरात्रे रखता है वो पत्थर पे लकीरें मानी जाती है, बात मंजूर होती है। इसमें रोज़े रखते हैं, तो हमारे लिए बहुत यकीदी की है, और इसमें हम आज तमाम मज़ाहब के लोग हमारे साथ शरीक हुए हैं, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, क्रिश्चन भाई, सिख भाई, तो आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। नवरात्रि के इस मौके पर जो पूजा का एहतमाम किया जाता है, उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से मेवे आप देवी को चढ़ाते हैं? इसमें ये जी फ्रूट होता है 7 किस्म का, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें, केले हैं, अंगूर है और अमरूद है, जो मौसम के लिहाज से असल चढ़ता है यही होता है। तो बाद में इस फ्रूट का, इन मेवाजात का क्या करते हैं? ये बांट देते हैं सब पे जो आए हुए होते हैं ज़ायरीन, उन पे बांट देते हैं। नवरात्रि तो मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है ये त्यौहार और बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। आज 8वां दिन है नवरात्रि का, आज माता का जगराता भी है और बहुत धूमधाम से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया नवरात्रि इस बार। यानी आज सारी रात जगराता चलेगा? जी आज जगराता चलेगा। तो सारी रात आते जाते रहते हैं लोग? जी बिल्कुल, सारी रात अभी आए हुए हैं ना लोग, तो ये सुबह 4 बजे समाप्ति होगी, अरदास होगी, फिर उसके बाद चले जाएंगे ये। तो सारी रात क्या करते हैं जगराते में? जगराते में माता के भजन गाएंगे और ये बस की भजन वगैरह होंगे, फिर सुबह 4 बजे अरदास होगी, समाप्ति होगी, फिर उसके बाद नाश्ता करके चल जाएंगे। जी मेरा नाम नरेश कुमार है और यहाँ पे हम लाहौर में रह रहे हैं। जी हम हिंदू हैं बेसिकली। जी तो हर एक मज़हब में त्यौहार होते हैं अपने अपने, सो दिस इज़ वन ऑफ आर फेस्टिवल्स। ठीक है, तो इस फेस्टिवल में यह है कि वी आर शेयरिंग द मैसेज ऑफ लव, द मैसेज ऑफ यूनिटी एंड द मैसेज ऑफ यू नो ब्रदरहुड। सो वी आर हेयर
to show our solidarity with our, not only with our religion, but with the whole community, whether it is Muslims, whether they are Christians, whoever. Navratri ka tehwar kaisa guzar raha hai aapka? Bola shubh guzar raha hai, acha guzar raha hai. Prem bhav se guzar raha hai aur sab milkar yahan par Navratri ka tehwar mana rahe hain aur aapne khud bhi dekha hai. Shiv Das Pakistan mein kab se reh rahe hain? हम इधर ही रहते हैं, हमारी सात पीढ़ियाँ इधर ही गुजरी है पाकिस्तान में, तो अब हम इधर ही रहते हैं आज़ादी से. अच्छा माहौल इधर का, और हम जिला घोटकी से सिंध से, इधर बहुत आनंद आया. इधर आए मंदिर में, देखा नवरात्रि माता की चल रही है, पहले भी आए थे, आज भी आए हैं. आज माता की आठवीं नवरात्रि है, सुबह नौ ही है, परसों दशहरा है, तो बहुत अच्छा लगा हमें इधर आके. ऋषि मारकंडे ने पूजा, जब दिया के ब्रह्मा जी बोले तभी के गुप्त मंत्र संसार में है, सब शक्तियां जिसके अधिकार में, हर एक का सुकृति उपकार है, जिसे जपने से बेड़ा पार, पवित्र कवच दुर्गा बालशालिका, जो हर काम पूरा करे सवालिका. सुनो मारकंडे मैं समझाता हूँ, मैं नौ दुर्गा के नाम को बतलाता हूँ. कवच की मैं सुंदर चौपाई बन, जो अत्यंत गुप्त देव बसा, नौ दुर्गा का कवच ये मंचित लाए, इसको किसी प्रकार का कभी कष्ट ना आए. कहो जय जय महारानी की, जय दुर्गा अष्ट भवानी की. भी शब्द भयंकर आए देवता, ब्रह्मा विष्णु शंकर स्वाहा, हर एक अंश से रूपी देवी निधारा, मंज नाम से नाम उनका उपारा, बनी ब्रह्मा से अंश देव ब्रह्मानी, चढ़ी हंस माला कमंडल निशानी स्वाहा. हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत. पाकिस्तान में रहते हुए आपको पूरी मजहबी आज़ादी हासिल है, आप बाकी मुसलमानों की तरह अपने तमाम त्यौहार उसी तरह आज़ादी से मनाते हैं? बिल्कुल मनाते हैं, कोई भेदभाव नहीं है. यहाँ पे मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, सब भाई भाई हैं, तो पाकिस्तान के सारे सिपाही हैं. हर त्यौहार हम लोग धूमधाम से मनाते हैं, तो आप खुद ही देख रही हैं इससे ज़्यादा आज़ादी क्या होगी. इतनी सिक्योरिटी हम लोगों को दी जाती है हर त्यौहार पे, तो हम लोग तो गवर्नमेंट के शुक्र गुज़ार हैं कि पाकिस्तान में हिंदू मज़हब को इतनी आज़ादी से हर त्यौहार मनाने की इजाज़त दी जाती है. प्यार मोहब्बत से पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है. आप मुख्तलिफ चैनल्स देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, और फिर एक शख्स नहीं, हम सब मिलके मनाते हैं. इसमें क्रिश्चियन मुस्लिम सारे इकट्ठे होकर मनाते हैं, जिससे यकसानियत यकजोई का तमाम दुनिया को तासुर जा रहा है कि हम यहाँ पर कोई किसी को कोई भी कैद नहीं है, हर बंदा आज़ाद है अपने मज़हब और त्यौहार मनाने के लिए. पाकिस्तान में रहते हुए आपको तमाम तर मजहबी आज़ादी है हासिल है, आप बिल्कुल उसी तरह मुसलमानों की तरह अपने तमाम त्यौहार खुशी से जश्न से मनाते हैं? हाँ, बहुत अच्छे तरीके से. हमारे उधर होली दिवाली बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती है, नवरात्रि और कृष्णा जन्माष्टमी शिवरात्रि वगैरह बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं. हम बहुत आनंद आता है वहीं, जैसे मुस्लिम मनाते हैं इस तरह हम भी मनाते हैं. हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें इसमें. नवरात्रि के इस मौके पर हिंदू बरादरी और मुसलमान बरादरी को क्या पैगाम देना चाहेंगी? वो हमें पैगाम देना चाहते हैं, हमारी खुशियों में शामिल होते हैं, हम उनकी खुशियों में शामिल होते हैं, यही हमारा मज़हब है. मैं तो यही पैगाम देता हूँ कि पाकिस्तान हमारा घर है, हमारी धरती माँ है, सबसे पहले पाकिस्तान है, बाद में हो रहे. पूरे पाकिस्तान को मैं कहना चाहूँगी हैप्पी नवरात्रि, आज जन्माष्टमी है तो हैप्पी जन्माष्टमी पाकिस्तान. नवरात्रि के इस मौके पर मुसलमान और हिंदू बरादरी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम बिल्कुल मेरा यही होगा कि जो भी दुनिया में मजाहब हैं उनको जो समरी, जैसे हम कहें उनका जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि इंसान जो है ह्यूमनिटी जो है वो आपस में साथ में रहें, पीस के साथ रहें, और नेगेटिव फीलिंग्स या हेटर जो है वो कोई भी मज़हब किसी को नहीं सिखाता.
सो अगर आप देखेंगे डेवलप कंट्रीज में इन इंडिया एज वेल, तो वहाँ पे क्या है कि हिंदू मुस्लिम्स सारे मज़ाहब के लोग एक फेस्टिवल को साथ में बैठ के इंजॉय करते हैं, सही है। जो फेस्टिवल है उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक मज़हब के साथ जुड़ा हुआ है, फेस्टिवल जो है वो एक कल्चर को शो करता है, सही है। तो कल्चर भी एक हिस्सा है रिलीजन का, सही है। तो रिलीजन को हम कल्चर से बाहर नहीं निकाल सकते। नौरात्र तो जो बेसिक त्यौहार है, इसमें बुराइयों का नाश किया गया और सच्चाई की जीत हुई है। मैं तो यही बयान दूंगा कि जिस तरह से आज तक हमारे पाकिस्तान की सूरत हाल है, हम इसके लिए जीते हैं, जिसके लिए मरते हैं, इनमें तमाम बुराइयों को हम ख़त्म करके यकजा होकर प्यार मोहब्बत के साथ इसकी कामयाबी और खुशहाली के लिए ना यकजाई होकर इसको कामयाब बनाएं। ये नवरात्रों का त्यौहार का शुभ और हमें प्यार भरा पैगाम मिलता है। हम उनका पैगाम देना चाहते हैं कि आपस में अच्छे तरीके से रहो, भाई भाई के तरह के रहो। तू पर्दे चोलियां मां, तू पर्दे चोलियां, असी हर वेले लेंदे तेरा नाम। डर तेरे उत्ते मैया अलग जगाइए, वेख दी लुकाइए, सारे दर उत्ते मैया तेरी रोशनाई, तेरी रोशनाई जस पिंदर करे अरजा। तू पर दे चोलियां मां, तू पर दे चोलियां, असी हर वेले लेंदे तेरा नाम। जी, तो आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि पाकिस्तान में मुकीम हिंदू बरादरी किस तरह से नवरात्रि मना रहे हैं। उम्मीद है आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।